दोस्तों, भोलानाथ पुल से गुमटी नंबर 2 के बीच 750 मीटर लंबा सेंटिंग यार्ड बनेगा। 3 लाइनें भी बिछाई जाएगी, बेड फाउंडेशन बनेगा। दोस्तों, भागलपुर स्टेशन को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। मंदार हिल सेक्शन पर बौसी लाइन इसाकचक बुढ़िया काली स्थान के सामने से चौधरी डी के बीच बहुमंजिला स्टेशन भवन और सेटेलाइट यार्ड का निर्माण होगा। वहीं सेंटिंग यार्ड के विस्तारीकरण के कारण आवागमन की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लोगों की सहूलियत के लिए रेलवे भिकनपुर गुमटी नंबर 1 और गुमटी नंबर 2 के पास कंक्रीट अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण भी कराएगी। 20 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कंक्रीट के सबवे में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था भी होगी। साथ ही मेट्रो टाइप लाइटिंग की व्यवस्था भी रहेगी। भिकनपुर गुमटी नंबर 1 और 2 होकर भिकनपुर के अलावा इन मार्गों से प्रतिदिन गुमटी नंबर 12 लोदीपुर जिच्छो सरगो लालूचक सहित कई इलाकों के 50,000 से अधिक लोग गुजरेंगे। ऐसे में अंडरपास बनने से लोगों को आवागमन की समस्या नहीं होगी। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। भिकनपुर गुमटी नंबर 1 और भोलानाथ पुल के बीच 175 झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई है। दोस्तों, रेलवे की जमीन पर 30 से 40 साल से परिवार के साथ रहने वाले अपना घर टूटते देख मायूस थे। रेलवे की जमीन पर झोपड़ियां बना कर रह रहे कुछ लोगों को तो पक्के का अपना मकान भी था। जिस लोगों के पास ठिकाना नहीं है, उनके समक्ष गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि कई साल से प्रशासन से बसाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि किराए का मकान भी नहीं मिल रहा है। ऐसे स्थिति में सामान के साथ ठंड में बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रात बिताने को विवश होना पड़ रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ 4 महीने पहले से 19 जुलाई को भोलानाथ पुल के पास ऑटोमेटिक रेल कोच वॉशिंग पिट चालू हो चुका है। इस पिट से 15 से 20 मिनट में ही ट्रेनें धुल जा रही है। यात्रियों को चकाचक कोच मिल रहा है। यही नहीं, ट्रेनों की साफ सफाई पर खर्च होने वाले पानी की भी काफ़ी बचत हो रही है। यह वॉशिंग पिट कई मायने में अनोखा और खास भी है। इससे ट्रेनों की साफ सफाई तेजी से होती है। यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। यह रेल कोच धोने के परंपरागत तरीकों के मुकाबले 90% कम पानी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, भागलपुर स्टेशन को लगातार एक के बाद एक ट्रेन या फिर मेंटेनेंस का काम रेलवे द्वारा दी जा रही है। भागलपुर स्टेशन पर रेलवे के द्वारा ध्यान देने से स्टेशन काफ़ी स्वच्छ और सहूलियत से भर जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि सारे काम कब तक में कंप्लीट हो जाते हैं रेलवे द्वारा। दोस्तों, भागलपुर रेलवे स्टेशन पर लगातार रेलवे के द्वारा हर तरह की सहूलियत देने के कारण उम्मीद है कि यहां से ट्रेन की भी आवाजाही बढ़ाई जाएगी, क्योंकि मालदा डिवीज़न में से सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक भागलपुर स्टेशन आता है। दोस्तों, क्या आप रेलवे के इस काम से संतुष्ट हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।